नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। खबर यूपी के अमेठी से है, जहां प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने प्रयागराज गए 173 छात्र छात्राओं को लॉकडाउन के दौरान फंसने के बाद उन्हें खाने पीने में काफी समस्या होने लगी। ऐसे में प्रदेश सरकार उन्हें अपने गृह जनपद जाने की सुविधा प्रदान करते हुए कल शाम लोक सेवा आयोग चौराहे से 173 छात्र छात्राओं को लेकर 2 बस 8 बजे अमेठी पहुंची, जहां प्रशासन व स्वास्थ्य महकमा पहले से मुस्तैद इंतजार में खड़ा था। अमेठी पहुंचते ही बच्चों के चेहरे पर रौनक पहुंची। स्वास्थ्य विभाग ने सभी को अमेठी तहसील परिषद में ले जाकर जांच की, जिसमें सभी को स्वस्थ और सामान्य पाया गया। हालांकि 14 दिन सभी छात्रों को होम क्वारंटाइन में रहना होगा। जांच के दौरान सामाजिक दूरी का पालन बखूबी किया गया। इस दौरान उनकी हर दिन की निगरानी भी की जाएगी। इस संबंध में जिलाधिकारी अरुण कुमार ने पूरी जानकारी दी। आप देख रहे हैं अमेठी से अशोक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रिया सिंह है। मैं इलाहाबाद में रह के 2 साल से UPPCS की तैयारी करती हूँ। हम लोग लॉकडाउन की वजह से घर नहीं जा पाए थे, तो फिर कल हम लोगों को न्यूज़ पेपर के माध्यम से पता चला कि क्रम वाइज जिला वार करके सबको उनके जिला में भेजा जा रहा है। तो फिर हम लोग आज आए, आज अमेठी का नंबर था, तो हम लोग सुबह आए लोक सेवा आयोग चौराहे से। हम लोग को बस के साथ यहाँ पर पहुँचाया गया है और हम लोग यहाँ पर अभी आए हैं, तो अभी मेडिकल चेकअप होगा, उसके बाद यहाँ से पहुँचाया जाएगा। इसके लिए मैं योगी जी और पूरे शासन प्रशासन को तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन लोगों ने हम प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रॉब्लम्स को सुना और उसको पूरा अच्छे से सॉल्व किया है। अच्छा, इलाहाबाद से यहाँ तक आपको आने में जैसे बस की सेवा उपलब्ध कराई गई, तो क्या आप लोगों ने कोई कॉस्ट लिए? नहीं नहीं, हम लोग को निःशुल्क यहाँ पे पहुँचाया गया है और रास्ते में पीने वीने के लिए पानी वगैरह भी दिया गया। हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है रास्ते में आने के लिए। जनपद अमेठी में कल शाम से प्रयागराज से छात्रों का आगमन हो रहा है। अब तक कुल 171 छात्र हमारे यहाँ पे आए हैं। इन सभी छात्रों की पहले मेडिकल स्क्रीनिंग कराई गई है, तत्पश्चात भोजन इत्यादि की व्यवस्था करते हुए इनको क्वारंटाइन सेंटर में भेजा गया है।